छुपा हुआ है। मैं तुम्हें वो फोटो नहीं हटाने दूंगी। हमें माफ कर दीजिएगा। राधा रुक जाओ, प्लीज राधा रुक जाओ। राधा, मुझे माफ करना राधा। राधा, क्या कर रही हो तुम? मोहन जी, तुलसी जी की तस्वीर हटा रहे थे। किसके कहने पे? दामिनी जी ने कहा था। क्या मोहन? राधा तो बिल्कुल ही पागल है। इतना परेशान हो जाती है मेरे लिए, इतना ख्याल रखती है मेरा। तभी तो ये फोटो हटा रही थी। कह रही थी कि जब शादी की कार्ड की बात आई, वहां तक तुलसी का नाम आ गया। तो क्यों ना धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ से तुलसी को हटाया जाए, जैसे कि ये फोटो। हमारी बात हुई थी ना, हुई थी कि नहीं, कि ये फोटो कहीं नहीं जाएगी। मोहन जी के मना किए जाने के बाद भी दामिनी जी ने हमें फोटो हटाने को कहा। हाँ मोहन, पर राधा को इस बारे में थोड़ी पता है। वो भोली है, नहीं समझती कि मेरी शादी सिर्फ तुमसे नहीं, तुम्हारी तुलसी की यादों से भी हो रही है। देखो राधा, कैसे अपना गंदा प्लान तुम्हारे माथे मत दिया। अब तो समझ जाओ इसकी असलियत। मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं फोटो यहाँ पर इसलिए रखना चाहता ताकि इस फोटो को देखकर मैं याद करूं कि मुझे किस तरह की शादी नहीं चाहिए। खैर, मैं वादा करता हूं तुमसे कि जिस दिन हमारी शादी होगी ना, मैं खुद इस फोटो को यहां से हटा दूंगा। मैं ये शादी कभी नहीं होने दूंगी और ना ये फोटो कभी इस कमरे से हटेगी। फोटो तो ठीक है मोहन, लेकिन तुलसी की शादी के जोड़े का क्या? तुलसी की उन दूसरी चीजों का क्या जो अभी तक तुम्हारे वार्डरोब में? वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर राधा ही कह रही थी कि मरी हुई बीवी के शादी का जोड़ा रखने पर दूसरे शादी पर बुरा असर पड़ता है। कैसे झूठ पे झूठ बोले जा रही है दामिनी। राधा, क्यों हटा रही थी मेरी मम्मा की फोटो तुम? ये मेरी मम्मा का घर है, मेरी मम्मा का सारा सामान यही रहेगा। गुनगुन, बच्चा बड़ों के बीच में नहीं बोलते हैं।
टच हुई। बताओगे भी क्या कर रहे हो तुम? तुलसी का चैप्टर खत्म कर रहा हूं मैं। ना उसका सामान इस कमरे में रहेगा और ना उसकी यादें। मोहन सुनो, कामनी जी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अभी नहीं राधा। मोहन कहाँ जा रहे हो? मोहन, मोहन, मोहन जी, मोहन, मोहन, मोहन जी, अब क्या नया तमाशा है? मोहन, कर क्या रहे हो? ये क्या है ये सब? बोलो कुछ मोहन। चिता जला रहा हूं मैं। तुलसी की हर चीज की चिता। तुलसी की हर चीज की चिता जो मेरे पास बची हुई है। सबको आग लगा दूंगा मैं। मोहन बेटा, गहने जलाने की क्या जरूरत है? ये तो हमारी बिटिया दामिनी के भी काम में आ सकते हैं ना। अब सोने के जेवर को थोड़ी ना पता होता है कि वो नई दुल्हन के गले में है या पुरानी। मुझे ऐसा मत करिए मोहन जी, तुलसी जी की आत्मा को बहुत बुरा लगेगा। मोहन, पंडित जी की बेटी हो ना तुम, तो एक बात बताओ, किसी के मर जाने पर उसे जलाते क्यों? वो अग्नि दहन को अंतिम संस्कार माना जाता है। कहते हैं कि उससे आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।
बताएगा कि क्या हो रहा है। नहीं नहीं मोहन जी, मत करिए सब। अगर चलाने से मुक्ति नसीब होती है ना तो तुलसी को तो मुक्ति नसीब होने नहीं दूंगा मैं। नहीं चलूंगा उसके सामान को। बदली यहीं पर काट दूंगा मैं ताकि वो यहीं पर फंसी रहे और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिले। और वो तड़पती रहे जैसे मैं तड़प रहा हूं। मतलब गहने बच जाएंगे। कम से कम 15-20 तोला तो देखा ही था मैंने। देखा है ना ये सब। अब आज इस आदमी को कपड़ों की दिवाली जलानी। इस आदमी के ड्रामे कभी खत्म नहीं होने वाले। हर रोज कोई नया ड्रामा। चलो चलते हैं। फालतू टाइम पास। मोहन तो है ही बैडमैन और तुम भी बहुत बैड हो और मुझे तुम्हारी बात कभी नहीं सुननी। गुनगुन गुनगुन देखा तुलसी कितनी आसानी से तुम्हारे सारे सामान को घर से बाहर फिकवा दिया। बस जल्दी ही ऐसे ही तुम्हें भी इस घर से बाहर कर दूंगी। तभी तो ये फोटो हटा रही थी। इतना परेशान हो जाती है। धीरे-धीरे तुम्हारे लाइफ से ख्याल रखने को हटाया जाए। तभी तो ये फोटो हटा रही थी। राधा तो बिल्कुल ही पागल। धीरे-धीरे इतना परेशान हो जाती है। इसको हटाया जाए जैसे कि ये फोटो। आपने झूठ क्यों बोला दामिनी जीजी?
आपने मोहन जी से झूठ क्यों बोला कि हमें तस्वीर हटानी थी? बिटिया, ये छिपकली अगर मोहन के सामने मुंह खोल देगी ना तो तेरे जिंदगी में मोहन जहर घोल देगा, इसे कोई और पट्टी पढ़ानी पड़ेगी। I'm sorry राधा, मैंने झूठ बोला। पर मैं कर भी कह सकती थी, मेरी शादी मोहन से होने वाली, लेकिन अभी भी लगता है जैसे जैसे मोहन मुझसे ज्यादा टॉक्सिक है। नफरत सही सही, लेकिन हमेशा तुलसी को ही याद करता। अगर मैं कहती ना तो तुलसी की चीजें, उसकी तस्वीर मोहन कभी नहीं हटाता। तुमने देखा था ना शादी के कार्ड के टाइम पे क्या हुआ? मोहन, ये डिजाइन कैसे लग रहे? क्या ये सब कार्ड? इतनी तैयारी ये शोशा करने की क्या जरूरत है तुलसी? मोहन ने तुलसी के नाम से मुझे बोला। राधा, इसकी बातों में मत आओ। ये फिर से तुमसे झूठ बोल रहे, अपनी बातों में फंसा रही है तुम्हें। तुम ही बताओ राधा, एक लड़की को कैसा लगेगा जब उसके होने वाले पति के कमरे में किसी पराई औरत की तस्वीर? तुलसी जी पराई नहीं है, वो तो मोहन जी की पहली पत्नी थी। जो दर्जा तुमने मुझे मरने के बाद दिया है ना राधा, इन दोनों ने कभी जीते जी नहीं दिया। और हम तो गुनगुन को हमेशा यही सिखाते कि हमेशा सच बोलना चाहिए, पर हम कैसे झूठ बोल दे दामिनी जी? ये बहुत गलत है, हम झूठ नहीं बोल सकते। सही कहा तुमने, मैंने गलत की। मोहन से प्यार करके ही मैंने गलत की। तुलसी के जाने के बाद मैंने उसे संभाला, उसके बिजनेस को संभाला, उसे हर दुख हर तकलीफ से बचाने की कोशिश की मैंने। ये शादी का आइडिया भी तो कादंबरी माँ का ही था। मैं तो मोहन से अपने एक तरफे प्यार में ही जिंदगी गुजारी। तुमने सही कहा, मैंने गलत किया, तो मैं मोहन को जाके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। दामिनी, पागल हो गई है क्या? आई बड़ी सच बताने वाली। तुम तो जानती हो ना बिटिया, मोहन कैसा है। अगर उसे सच का पता चल गया तो वो रिश्ता एक झटके में तोड़ देगा। बिटिया, अगर फिर से ये रिश्ता तोड़ गया तो मोहन की जिंदगी तो बिखर जाएगी। एक तुम ही हो जो उसकी जिंदगी में रोशनी ला सकती हो। अब राधा का तो क्या है, अगर राधा कुछ भी कर ले मोहन तो उस पर गुस्सा होता ही नहीं। वो थोड़ी खास जो है। अब देखो ना, गुनगुन ने पास्ता में मशरूम डाल दिए, लेकिन तुम्हारी गलती तो नहीं थी ना उसमें। मोहन ने फिर भी चुटकी बजाते ही तेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। पर मम्मा, इस बार तो गलती मेरी है ना। वैसे भी झूठ के नींव पे रिश्ते नहीं टिकते। चाहे मोहन मुझसे रिश्ता ही क्यों ना तोड़ दे। बेटा, कम से कम मोहन के बारे में तो सोच ले। प्लीज प्लीज राधा, मत आओ इनकी बातों में। रुक जाइए दामिनी जी।
मोहन जी को कुछ नहीं कहेंगे। राधा, मैंने गलत किया है। हाँ, गलत तो आपने किया है। पर अगर एक गलत काम सही कारण के लिए किया जाए तो बाकी बिहारी जी भी माफ कर देते हैं। हम समझ सकते हैं जीत जी कि आपके लिए कितना मुश्किल होता होगा इस घर में तुलसी जी की यादों के साथ रहना। बड़ी काकी जी ठीक ही कह रही हैं। एक आप ही जो मोहन जी के जीवन में दोबारा खुशियों की धूप ला सकती है। हाँ बेटा। नहीं राधा, ये दामिनी मोहन की जिंदगी में खुशियों की धूप नहीं बल्कि दुख के बादल लेकर आएगी। तुम मत आओ इन सब की बातों में। थैंक यू राधा, तुम सच में मुझे एक बहन की तरह समझ लेती हो। यही करना था ना तुम? तुम्हें मोहन और दामिनी की फ्रेंड बनना था ना, इसलिए कर रहा ना ये सब। इसलिए तुमने मेरी मम्मा का सामान उनके रूम से हटाया। नहीं गुनगुन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगा था कि तुम मेरी साइड हो, लेकिन तुम भी इन सबके जैसी हो। नहीं गुनगुन, हम बिल्कुल आप ही की तरफ हैं। हम आपके दोस्त हैं। दोस्त नहीं, दुश्मन। जो मेरी मम्मा को लाइक नहीं करता, मैं उसे नहीं करती। नहीं गुनगुन, एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गुनगुन रूठ गई। गुनगुन, हिम्मत तो देखो उस लड़की की। मुझे सच बताने का ज्ञान दे रही थी, मुझसे सवाल कर रही थी। बस बहुत हो गया मम्मा, उस लड़की को मुझसे जबान लड़ाने की सजा तो देनी पड़ेगी। ये गुनगुन और राधा के फूट को यूज करके राधा को सबक सिखाना ही होगा मम्मा। गुनगुन, गुनगुन आप हमें गलत समझ रही हैं। हमसे बात तो करिए गुनगुन। अरे हम हैं आपकी दोस्त, हम आपकी माँ से नफरत क्यों करेंगे गुनगुन? गुनगुन सुनिए तो। गुनगुन, गुनगुन एक बार हमारी बात सुन लीजिए। गुनगुन आप हमारी पूरी बात तो सुनिए। गुनगुन आप हमें गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हम गलत नहीं कह रहे, हम सच में आपकी माँ से प्यार करते हैं। गुनगुन हमारी पूरी बात तो सुनिए, हमसे से रूठ के तो मत जाइए। गुनगुन बच्चा एक बार राधा की बात तो सुन लो। डोंट टच मी, छूना मत मुझे। गुनगुन पूरी बात तो सुनिए।